नोबडी वॉन्ट टू लर्न, एवरीबडी वॉन्ट टू अर्न। बात तो सही है, हर इंसान कमाना चाहता है, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें नवीं क्लास का बच्चा दिख जाता है ट्रेडर, कमा लेता है वो करोड़ रुपए, तो दिमाग हो जाता है भंट, लगता है कि भैया हम कब कमाएंगे। तो आज का वीडियो इसी बात पे होने वाला है कि यार आप कैसे 2024 में कमा सकते हो। लेकिन बात तो सही है भाई, लर्निंग इंक्लूड्स अर्निंग, इसलिए सीखना तो पड़ेगा। वो बात गई पहली वाली कि सीख नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, हम तो सीखना चाहते ही नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि अमित आ गया है आपके लिए यही बात बताने। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात उन दिनों की है जब हम बात करते थे टूल्स की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, लेकिन अब 2024 में थोड़ी दुनिया बदल गई है, क्योंकि डेटा इज न्यू ऑयल और आपको सीखना पड़ेगा सिर्फ डेटा से, क्योंकि डेटा ही सब कुछ करके देगा आपको। और डेटा से सीख जाएंगे आप कैसे, तो सहला पहले सोच आता है हमें डेटा आएगा कैसे, कौन से डेटा की बात कर रहे हो आप। देखिए वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा है जिस पे आप काम कर सकते हो, कस्टमर को कुछ ना कुछ निकाल के दे सकते हो इनसाइट्स। तो पहली बात आती है डेटा इनसाइट्स की, कैसे बनाएंगे हम डेटा की इनसाइट्स, बिजनेस कैसे हो जाएगा उनका सफल। तो डेटा निकालने के लिए आपको डेटा स्क्रैपिंग सीखना पड़ेगी। डेटा स्क्रैपिंग करने के लिए आपके पास फंक्शनल टूल्स भी हैं और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जिनकी मदद से आप कर सकते हैं डेटा स्क्रैपिंग। सबसे आसान तरीका अगर आप देखें तो बहुत सारे स्क्रैपर मिल जाएंगे आपको गूगल पर, आप सर्च करेंगे तो आप उनकी सहायता से किसी भी वेबसाइट से डेटा निकाल सकते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल है, वो डेटा आपको मिल जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में। अब सेकेंड स्टेप में आपको डेटा की क्लीनिंग करना होगी, क्योंकि आपके पास में तरह तरह का डेटा तो होगा लेकिन उस डेटा में से आपको इनसाइट्स निकाल के कस्टमर को देनी है, तो क्लीनिंग करना जरूरत पड़ेगी। तो सेकेंड स्टेप डेटा क्लीनिंग की होगी। कैसे करेंगे डेटा क्लीनिंग, सिखाएगा सब कुछ आपको अमित डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में। आज के वीडियो में सिर्फ जानकारी है कि हम क्या सीखे 2024 में। फिर आती है बात डेटा साइंस टर्म की, क्योंकि डेटा से ज्ञान, डेटा का ज्ञान यही तो है डेटा विज्ञान। अगर सीखना चाहते हैं डेटा साइंस तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे आएंगे तो सीखते जाएंगे, आप डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे मेरी जान। फिर आती है बात डेटा एनालिस्ट की। यार जब भी आपको किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन ग्राफिकली दिखानी होगी कि बिजनेस ऊपर जा रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या चेंजेस करनी है, तो आपको दो लोगों की मदद हमेशा लगने वाली है। एक है डेटा एनालिस्ट, एक है बिजनेस इंटेलिजेंस वाला बंदा, जो कि आपको बीआई टूल की मदद से सिखा देगा कि भैया ये वाला टूल इस्तेमाल करके हमने बनाया है आपका डैशबोर्ड, आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन ये है, मतलब पहले क्या हुआ था डेटा, आपके बिजनेस में क्या गलतियां हुई थी पास्ट में, उसको सुधार लेंगे आप नए तरीके से, तो बन जाएंगे आप बीआई टूल की मदद से, कर लेंगे आप अपने बिजनेस को सुधार। इसकी मदद से आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो, यहां तक कि एक्सेल टेबलो भी आपको रिकमेंडेड चार्ट बनाने में मदद करेंगे। ये तीन टूल्स भी सीख लें तो बन जाएंगे आप भी धनवान। अब आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात। अमित प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तो अंबार सा आ गया है, SQL सीखने सीखते दिन निकल गए, पर SQL की वैल्यू आज भी है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की तरह अगर आप किसी भी नौकरी करेंगे कंपनी में जाके तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बिना काम होने नहीं वाला। फिर आती है बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि है पाइथन सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग में। जब भी बात आती है डेटा साइंस की, डेटा एनालिसिस की, तो आसान से टूल्स हैं, पाइथन सीख सकते हैं, आर सीख सकते हैं, मैटलैब सीख सकते हैं, तीनों सिखाऊंगा मैं आपको फ्यूचर में अपने आने वाले सेशंस में। अब आती है बात फ्रंट एंड में, अमित बहुत कमाल हो रहा है, JS की बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट तो सीखना ही पड़ेगी। तो अंततः यह बात कहनी वाली है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो सीखना ही पड़ेगी यार अमित, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, इन सब की बातें कितनी सारी हो रही है मार्केट में, लोग बोलते हैं मेटावर्स आने वाला है, आने तो बहुत कुछ वाला है, लेकिन आपकी स्किल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग बेस्ड ही सारे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, अगर आप UI में किस तरह का फिगर होना चाहिए, किस तरह के आप कंट्रोल यूज करोगे, किस तरह का लुक एंड फील आएगा कस्टमर के लिए, वो सब आना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। ओवरऑल समरी ये है कि भैया मैं आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूं, तीन चार चीजें सीख लो तो आप भी बन जाओगे धनवान 2024 में, जिसमें है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, आर सीख लोगे तो डेटा एनालिसिस करना, डेटा साइंस वाला काम हो जाएगा आसान, बीआई टूल सीख लिए तो पावर बीआई, टेबलू या क्लिकसेंस, क्लिकव्यू और बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, इवन एज अ फ्रीलांसर आप डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में हो रही मोबाइल एप्लीकेशन की बातें,
एंड्रॉइड आईओएस के लिए लोग करते हैं रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल, बन सकते हो आप भी नेटिव डेवलपर, किस बात की देरी। इस चैनल पे आएंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी साथ साथ, क्योंकि आप बनेंगे पक्के डेवलपर। तो भैया नोबडी वांट टू लर्न, एवरीबडी वांट टू अर्न, लेकिन लर्निंग इंक्लूड्स अर्निंग, ये भूलना नहीं है। यही आज की टेक अवे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप भी मोटिवेट हो गए हैं 2024 में कुछ सीखने के लिए, तो नए सीरीज में आपके साथ आएंगे, नए नए टूल्स लेकर आऊंगा मैं आपका। तो टेक स्टोरीज विद अमित को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा याद रखें, डेटा इज न्यू ऑयल एंड लर्निंग इंक्लूड्स अर्निंग।